नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पौराणिक लोक पर। साधु बने तो माया छूटे, वैरागी बने तो छूटे ये तन। जब हरि से सच्चा प्रेम हो जाए तो छूटे सारे जग के बंधन। जय श्री लक्ष्मी नारायण, राधे राधे हरे कृष्णा। मित्रों, आप सभी को पुण्य फलदायिनी योगिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मनुष्य को जीवन के मोह जाल से मुक्त कराने वाली एकादशी तिथि सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। एक वर्ष में कुल 24 एकादशी आती हैं, 12 कृष्ण पक्ष में और 12 शुक्ल पक्ष में, और इसी प्रकार से 24 एकादशी तिथियों में से एक है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी का व्रत केवल मृत्यु लोक ही नहीं बल्कि तीनों लोकों में अत्यंत ही प्रसिद्ध माना गया है। योगिनी एकादशी का व्रत करने से जीवन के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। यह एकादशी व्रत किसी भी दीन दुखी मनुष्य के समस्त प्रकार के दुख और कष्टों को क्षण भर में नष्ट करने वाली अति बलवान और पुण्यवान एकादशी मानी जाती है। हमारे पुराणों में भी यह वर्णित है कि इस एकादशी का व्रत को करने वाले व्यक्ति को जीवन में सदा ही सुख समृद्धि और आनंद की प्राप्ति होती है। इसलिए मित्रों, अगर आप भी अपना एकादशी का व्रत सफल बनाना चाहते हैं तो इस दिन सच्चे हृदय से एकादशी का व्रत करें और अंत में कथा का श्रवण अवश्य ही करें, क्योंकि बिना कथा श्रवण किए यह एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए मित्रों, प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण जी के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सुनते हैं योगिनी एकादशी की बहुत ही सुंदर कथा। एक समय की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहते हैं, हे कृष्ण, हे माधव, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इस व्रत की कथा क्या है और इस व्रत की विधि क्या है, यह सब आप कृपया मुझे विस्तार पूर्वक बतलाइए। श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने मनुष्य कल्याण के लिए बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा है। मैं आपको इस एकादशी व्रत का महात्म्य कहता हूँ, सो आप ध्यान पूर्वक सुने। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। योगिनी एकादशी के दिन भक्तों को सुबह जल्दी उठकर दैनिक क्रिया आदि से निवृत्त होकर स्नान करना चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में धूप दीप प्रज्वलित करें और मेरे स्वरूप यानी कि भगवान विष्णु का गंगा जल से अभिषेक करें। भगवान विष्णु को पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें, आरती करें, भगवान को भोग लगाएं और साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें, अंत में कथा का श्रवण करें और द्वादशी के दिन भूखे जीव जंतुओं और भोजन आदि का दान करें। हे राजन, यह थी योगिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। अब मैं आपसे इस व्रत की कथा कहता हूँ। आप इस कथा को प्रसन्न चित्त होकर सुने और कथा को पूरा सुने, क्योंकि राजन, आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पौराणिक समय की बात है। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नामक नगरी में राज्य किया करता था। वह बहुत बड़ा शिव भक्त था और प्रतिदिन शिव जी की पूजा किया करता था। उसका हेम नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए उसके यहाँ फूल लाया करता था। हेम माली की विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी जिससे वो अत्यंत ही प्रेम किया करता था। एक दिन हेम माली राजा के लिए मानसरोवर से पुष्प लाने गया हुआ था तो वन में रमण करने के लिए अपनी पत्नी को भी साथ लेकर गया। वह राजा के लिए सरोवर से पुष्प तो ले आया, लेकिन अपनी पत्नी से कामासक्त होने के कारण वह उसी वन में अपनी स्त्री से हास्य विनोद तथा रमण करने लगा। इस भोग विलास में कब दोपहर हो गई, उसे स्मरण ही नहीं रहा। इधर राजा पूजा करने के लिए पुष्प लाने के लिए उसकी दोपहर तक हेम की राह देखता रहा, पर हेम पुष्प लेकर नहीं आया। अंत में जब राजा का क्रोध गगन चूमने लगा तो उसने क्रोध पूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेम अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। इतना समय व्यतीत होने के बाद भी हेम माली के न आने का कारण क्या है। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया
तो राजा से कहा कि महाराज वह पापी है, अतिकामी है। वह उसी वन में अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद और रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेमाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमाली राजा के सामने दरबार में उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत ही क्रोध आ रहा था और क्रोध के कारण उसके होंठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने हेम से कहा, अरे अधम कामी नीच, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिवजी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस स्त्री से कामाशक्त होकर तूने आज ऐसा नीच कृत्य किया है, तू उसी स्त्री के वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। कुबेर की शिव भक्ति के कारण उसके श्राप से हेम मालिका स्वर्ग से पतन हो गया और वह उसी क्षण पृथ्वी पर आकर गिर गया। भूतल पर आते ही उसके शरीर में श्वेत कोड हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय अंतर्ध्यान हो गई। मृत्युलोक में आकर माली ने बहुत अधिक दुख और कष्ट भोगने शुरू कर दिए। कोड होने के कारण कोई उसे भोजन नहीं देता, जिस कारण वह भयानक जंगल में जाकर बिना अन्न और जल के भटकता रहता था। भले ही हेम माली को इतना कष्ट मिल रहा था, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई थी और उसे पूर्व जन्म की भी सुध रही। इसी प्रकार से काफी समय व्यतीत होने पर अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में पहुंच गया, जो ब्रह्मा से भी अधिक वृद्ध थे और जिनका आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान लगता था। हेमाली वहां जाकर उनके पैरों में पड़ गया। हेमाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निकृष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और इस प्रकार का भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर से फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान ही नहीं रहा और दोपहर तक पुष्प न पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाए जिससे मेरी मुक्ति हो सके। हेमाली ने जब सारा वृत्तांत ऋषि को सुनाया तो वह बोले, निश्चित ही तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए तेरे उद्धार के लिए मैं एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। यह सुनकर हेमाली ने अत्यंत प्रसन्न होकर मुनि को साष्टांग प्रणाम किया। मुनि ने उसे स्नेह के साथ उठाया और कहा, हे वत्स, धरती लोक पर मनुष्यों के सभी प्रकार के घोर कष्ट निवारण का मात्र यही एक उपाय है, वो है योगिनी एकादशी का अत्यंत ही पुण्य फलदायी व्रत। अगर तुम भी सच्चे हृदय से इस व्रत को नियम पूर्वक करोगे तो श्री हरि विष्णु तुम्हारे ऊपर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। हेमाली बोला, हे मुनि, में मूर्ख अज्ञानी इस व्रत और इसके पूजन के बारे में कुछ भी नहीं जानता, कृपा करके आप मुझे बताएं। मार्कंडेय ऋषि ने हेमाली को पूरी पूजा विधि बताई। हेमाली ने मुनि के कथानुसार विधि पूर्वक योगिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह अपने पुराने स्वरूप में आकर वह अपनी स्त्री के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी का व्रत और इसकी कथा के फल से जातक को 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के समान पुण्य फल मिलता है। साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा से उनके घर में सदा ही खुशहाली धन संपत्ति आती है। इसके व्रत से धरती लोक में किए गए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करके प्राणी स्वर्ग का अधिकारी बनता है। यह थी अक्षरी योगिनी एकादशी व्रत की कथा।
तो बोलिए मित्रों, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।